हम में से कई लोगों को डिफरेंट एलर्जीज के प्रॉब्लम होती है। किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है या फिर किसी को एलर्जिक फूड रिएक्शंस होते हैं। काफी बार अगर आप सिटी से बाहर ट्रैवल करने जाएं तो वहाँ के एनवायरनमेंट की भी एलर्जी होती है, जैसे ज्यादा ठंड से लोगों को सर्दी खांसी होती है, क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले एलर्जीज है। उसके सिवा फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी, पेट एलर्जी जैसे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें फूड एलर्जी बहुत ही कॉमन एलर्जी है। कुछ लोगों को मिल्क से या डेयरी प्रोडक्ट्स की एलर्जी होती है, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी कहा जाता है। लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस ना हो इसीलिए फूड पैकेट्स पे इंग्रेडिएंट्स में एलर्जन प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं, ताकि आप वो फूड खाना अवॉइड कर सकते हैं। फूड एलर्जीज ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम आपको तकलीफ देते हैं, जिस कारण बचपन के कुछ एलर्जीज 35 की एज के बाद वापस शुरू होती है। बचपन की एलर्जी वापस आने का क्या कारण है तो आज के इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई बार पहले की एलर्जीज अडल्ट होने पर वापस आती है, क्योंकि आपकी बॉडी पहले के एलर्जिक रिएक्शन से फेमिलियर होती है। आपके इम्यून सिस्टम को याद रहता है लास्ट टाइम किससे एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। जैसे आपने डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर कोई ड्राई फ्रूट खाया होगा तो उससे भी एलर्जी होती है। हो सकता है आपको याद ना रहा हो कि कौन से फूड से एलर्जी हुई थी, पर आपकी इम्यून सिस्टम को याद रहता है कौन सा फूड बॉडी के लिए एलर्जिक है, जिस कारण अगर आप फिर से वही एलर्जिक फूड खाते हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है। ऐसा कह सकते हैं कि एक बार किसी चीज की एलर्जी हो गई तो वो जिंदगी भर रहेगी। आगे होने वाले एलर्जिक रिएक्शंस आप किसी भी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है पहले एलर्जिक रिएक्शन से तकलीफ ना हुई हो, पर बाद में ज्यादा तकलीफ हो सकती है। बचपन में अगर आपको सी फूड से एलर्जी हुई होगी और फिर से कभी आपने सी फूड खाया तो एलर्जिक रिएक्शन होता है। सिर्फ फूड एलर्जी ही नहीं, तो इंसेक्ट, डस्ट, एनवायरनमेंट या क्लाइमेट कोई भी एलर्जी इम्यून सिस्टम को पता होती है, जिस कारण बचपन के एलर्जीज अडल्ट होने पर वापस आते हैं। और फूड एलर्जीज 10% अडल्ट्स को कॉमनली होते ही हैं, जिस कारण कुछ फूड पैकेट्स पे कंपलसरी एलर्जन प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा होता है। आपके फूड एलर्जेंस कौन से हैं उनको ध्यान में रखें और उन्हें हो सके उतना अवॉइड करें। कभी हम ऐसा सोचते हैं कि बचपन की एलर्जी वापस नहीं होगी, पर ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें आपकी इम्यून सिस्टम नहीं एक्सेप्ट करती है तो उससे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।